लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए लड़ाई अब और तेज हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के पोरबंदर में जनसभा को संबोधित किया और एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज अर्थव्यवस्था के लिहाज से पांचवें स्थान पर है। लोकसभा चुनाव के पहले दो चरण का मतदान खत्म हो गया है, अब तीसरे चरण के लिए सियासत के दिग्गज जोर लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं और विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के राजकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कांग्रेस के लोग और खड़गे कह रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान का कश्मीर से क्या लेना देना। राहुल गांधी ने कहा कि धारा 370 हटाओ के तो कश्मीर में खून बहेगा, लेकिन 5 साल में एक पत्थर भी नहीं फेंका गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 10 साल के विकास कार्यों को भी गिनाया, साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 10 साल में 11वीं से 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस और फिरोजाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। पहले पैसा कांग्रेस और सपा बसपा के लोग हजम कर जाते थे, लेकिन आज गरीब के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, घोर और पसीना बहाया मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग एनडीए गठबंधन के लोग आएंगे, क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश लोग कर रहे हैं, यानी कितने खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पड़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से लेकर संपत्ति का सर्वे तक कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही कहा कि नया भारत है जो केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी कर देता है। बहनों और भाइयों, याद करिए उनके समय में गरीब भूखमरी का शिकार होता था और आतंकवादियों को वे लोग बिरयानी खिलाते थे। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था और भ्रष्टाचारी ऐश करता था। उनके समय में एक व्यापारी और बेटियां सुरक्षित थी और बड़े बड़े माफिया सत्ता का सरप्रस्त बन करके सत्ता का संचालन करते थे। आज आप देख रहे होंगे प्रदेश में नौकरी निकलती है पूरी पारदर्शी तरीके से, 6.5 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश में नौकरी दी बिना किसी भेदभाव के दी। दो चरण खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव की लड़ाई और तेज हो गई है। बीजेपी हर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। विकसित भारत से लेकर राम मंदिर और आतंकवाद तक बीजेपी पीएम मोदी की उपलब्धियां गिना रही है और मोदी की गारंटी के दम पर चुनाव में जीत का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।